हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। और अभी अभी मैंने ना नेश्वर पूजा चैनल के लिए एक वीडियो शूट की है। कौन सी वाली? तो देखिए, हेयर्स के लिए। और ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा। ये मैंने एक हेयर पैक बनाया था और आप सभी के लिए बताया है। आज मुझे अपने बाल नहीं धोने थे, लेकिन उसके बाद भी मैंने धोए हैं। क्यों धोए? ये मेरी मजबूरी थी। आपने मुझे बोला था कि दीदी, आपके घर में ना अब गुड्डी नजर नहीं आ रही, गुड्डी कहाँ चली गई? तो देखिए, गुड्डी की सच्चाई आपको बता देती हूँ। गुड्डी ने काम छोड़ दिया और गुड्डी गई अब कहीं और पे। मतलब गुड्डी को ना 24 घंटे का काम चाहिए था, तो इसलिए गुड्डी कह रही भाभी मैं कहीं और जा रही हूँ। मैं कहा चलो भाई ठीक है, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, और गुड्डी के भरोसे तो मैं रह नहीं सकती। तो इसलिए मैंने दूसरी काम वाली लगा ली है, क्योंकि मुझे ज़रूरत है, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। इसलिए हमारे घर में सारे लोग सोए हुए हैं। और अभी जो टाइम हुआ ना, कितना टाइम हुआ है, 10 या 10:30 का टाइम तो हो गया होगा ना बेटा। टाइम है, सारे लोग सो गए और विशु भी सो गया। मैं और मेरा छोटा वाला बेटा विश्वास, हम दोनों ही जगे हुए हैं। और हम लोग पता क्या कर रहे हैं, आपको ये पर्दा देख के आइडिया लग गया होगा कि हम यहाँ पे फोटो शूट कर रहे हैं। और मैंने पहनी हुई है ये वाली ड्रेस, इस वाली ड्रेस में मैंने फोटो शूट कराया है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आपको भी बता देती हूँ कितना टाइम हुआ है। हाँ, 10:00 मेरे हाथ में वॉच है और मैं पूछ रही हूँ कि टाइम कितना हुआ है। 10:00 वो मेरे फोटो शूट करता है और मैं उसके करती हूँ। अभी वो रेडी हो रहा है, कपड़े वपड़े डाल रहा है और मैंने अपने करा चुकी हूँ। तब तक मैं अपने कपड़ों की तह लगा के रख देती हूँ, तब तक मेरा बेटा रेडी होता है, उसके बाद फिर मैं उसके करूँगी। और देखिए कपड़ों का हाल, मेरे सारे कपड़े मैंने इस तरीके से सुखा रखे हैं, क्योंकि दो दिन से नहीं, कम से कम 4 से 5 दिन से मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है बारिश का, और जब मर्जी बारिश आ जाती है, तो इसलिए। और सारे कपड़े मैंने इस तरीके से डाल रखे हैं। और आपकी मैं बात कराती हूँ किससे, जैसे कि आप सब लोग मुझे बोलते हो कि दीदी जब जीजू साथ में होते हैं ना, तो व्लॉग में 4 चांद लग जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। कहीं पर लेके जाने वाले हैं, अब कहाँ लेके जाने वाले हैं यही बताएंगे। कहाँ लेके जाने वाले हो कल? देखो, हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो और कैसे हो? और जैसे कि पूजा ने बताया कि हम लोग, मेरी सिस्टर है वहाँ, हम लोग जाएंगे संक्रांत देने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ प्रथा हिंदू रीति रिवाज में इस तरीके चली आ रही है कि बहन बेटियों के हम लोग जाते हैं, एक तरह से खिचड़ी जो होती है, बहुत से खिचड़ी बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं। आके लाने वाला हूँ इनकी ननद के यहाँ, तो बड़ी अच्छा लग रहा है। वहाँ का हमने ब्लॉग डाला था तो आपको शायद याद होगा, वो संक्रांत का ही टाइम था उस समय भी। हाँ, एक साल हो गया ना। हाँ, एक साल हो गए, वही से लिया था, मतलब वही से लिया था ये। हाँ, तो अभी वही जाएंगे संक्रांत देने के लिए। खा क्या रहे हो? कहा कह रहा हूँ कुछ नहीं, वही दाल रोटी और क्या है। लेकिन फिलहाल तो मूंगफली खा रहे हैं। इन्हें ना मूंगफली खाने का बड़ा ही शौक है, सच में। इतने चाप से खाते हैं, बहुत चाप से अच्छा लगता है। नहीं खानी चाहिए, खानी चाहिए, अच्छी बात है। खाएगी नहीं, सुनो, ये तो खाएगी, खानी चाहिए। रखी रखी खराब हो जाएगी, मूंगफली भी छिल जाएंगी, और गुड़पट्टी वगैरह है, गजक है, रेबड़ी है, मेरे को ध्यान नहीं, मेरे को ध्यान रखी है, फ्रिज के ऊपर रखे हुए हैं, और उसको खाएंगे नहीं, बस नहीं बात हो रही है। देखो मुझे ध्यान आ जाता है ना, तो मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ, खा लेती हूँ। अब ये तो है नहीं, इतना टाइम तो नहीं, लेके बैठ जाओ आराम से, खाते रहो खाते रहो, और भी काम देखने भाई। आप तो फुर्सत में हो, तो आराम से लग रहे हैं खाने में, मजे मजे में। मेरी आदत तो ये है, बारिश हो रही है, ये मूंगफली का लुफ्त उठा रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे। लेकिन मुझे अभी किचन में जाना है, किचन का काम पड़ा हुआ है, तो इनके लिए खाना तैयार करना है, नहीं तो फिर बोलेंगे इतना टाइम हो गया और खाना मेरे लिए नहीं बनाया। तो ठीक है, आप अपनी मूंगफली खाइए। और अब मेरे बेटे को भी भूख लग रही है, तो काफ़ी टाइम से ये भी कह रहा कि मम्मी जल्दी से खाना बना दो, सारे काम बाद में करना। तो मैंने इसे बोला कि बेटा जरा सा वीडियो का काम और रह गया, वो कंप्लीट कर लेती हूँ, तो उसके बाद तुम्हें खाना बना के दे देती हूँ। ज़्यादा तेज़ भूख लग रही है? बहुत तेज़ भूख लग रही है। और कब से बोल रहा हूँ मैं, कैमरा मम्मी छोड़ नहीं रही है, फ़ोन अपना, और मम्मी चलो फ़ोन पे रखो और मेरे लिए खाना बना के चलो। अब इसको खाना बना के दे देती हूँ, नहीं तो फिर इससे ना भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। तो चलिए चलते हैं किचन में, तो मैं आपको सारा सामान दिखा देती हूँ जो हम अपने दोनों सिस्टर इन लॉज के घर पे लेके जाने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए फटाफट से देख लेते कि वो क्या क्या सामान है जो हम लोग लेके आए। तो देखिए, आपको पहले मैं ऐसे दिखाती हूँ, ये देखिए सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखिए ये सारा सामान है, और साथ में ये भी है। ये क्या है अभी आपको मैं दिखाऊंगी। तो देखिए आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या सामान हम लोग लेके जाने वाले हैं। तो ये हैं दो मूंगफली के पैकेट, ठीक है, और ये दो हैं गजक के पैकेट, यही हम लोगों में चलता है मकर संक्रांति पे। और ये हैं रेवड़ी के पैकेट, इनके अंदर रेवड़ी हैं, सबके डबल पैकेट हैं। और
और ये है गुड़ पट्टी। ये देखिए ये गुड़ पट्टी के पैकेट है, इनको रख देती हूँ साइड में। और ये तो हो गया सारा खाने का सामान जो मेन होता है और हम लोगों में चलती है, जैसे कि दाल है, चावल है अपने हिसाब से। तो देखिए ये है मसूर की दाल धुली हुई, मैं उल्टा तो नहीं दिखा रही, हाँ सीधा ये देखिए ये मसूर की दाल है धुली हुई, और ये मसूर की दाल है छिलके वाली, ये देखिए ठीक है। तो ये है और साथ में है चावल, तो देखिए ये चावल का पैकेट है। और इनके साथ में एक चीज़ और है जो हम लेके जा रहे हैं, अब क्या लेके जा रहे हैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि आपको सब कुछ दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारा सामान मैं बाद में सेट करूँगी। तो ये देखिए, और ये हैं ब्लैंकेट्स, तो डबल हैं, एक ये रहा और एक है ये वाला, दोनों ही आपको मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए एक बीच वाली सिस्टर इन लॉ के यहाँ लेके जाएंगे और एक बड़ी वाली दीदी के यहाँ पे लेके जाएंगे, दोनों को ही देने वाले हैं। ये सारा सामान जो मैंने आपको दिखाया है आपको मैं खोल के नहीं दिखाऊंगी, इसी तरीके से आप लोग देख लीजिए। तो इसका कलर है कुछ ऐसा, ये देखिए ये पिंक कलर में है और बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है इसका भी, लेकिन आपको मैं खोल के दिखाती ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता। अब मैं खोल के इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि फिर उनको ना पैक करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा और फिर ये फोल्ड नहीं हो पाते ठीक से, हो तो जाएंगे लेकिन टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। और एक है ये वाला, इसका कलर है कुछ ऐसा, रेड कलर में है, ये भी बहुत ही प्यारा कलर है दोनों ही। और ये दोनों लेके आए थे, हमने ऑनलाइन नहीं मंगाए थे, ये अभी अभी लेके आए मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ, तो दोनों ही अपनी पसंद से लेके आए और हमारे लोकल मार्केट से ही लेके आए, कहीं दूर भी नहीं गए। तो ये सारा सामान है, तो अब हम जाने वाले हैं, कल जाएंगे। अभी मुझे क्या करना है, ये सारे सामान की ना पैकिंग करनी है, पैकिंग करने के बाद अब देखते हैं कब निकलते हैं, या तो मॉर्निंग में जल्दी निकलेंगे, और मॉर्निंग में नहीं निकले तो फिर या फिर आफ्टरनून में निकलेंगे, तो देखते हैं किस तरीके से निकलते हैं। तो बच्चे उधर जाएंगे, हम उधर जाएंगे, तो इस तरीके से दोनों ही काम निपट जाएंगे। फिर क्या है ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, मैं बहुत ही मुश्किल से टाइम निकाल के जा रही हूँ, नहीं तो सच बताओ ना आजकल मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, ज़रा सा भी टाइम नहीं मिलता। और ये आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ भी सकते हो क्योंकि दो दो चैनल हैं, दोनों चैनलों पे टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करना, तो फिर मैंने इस तरीके से कर रखा है कि एक दिन मेरे ब्लॉग चैनल पे वीडियो आएगी और एक दिन मेरी आएगी नेचुरल पूजा चैनल पे। इस तरीके से कभी कभी ऐसा भी होता है कि चलो मैं फ्री हो गई तो मेरा ब्लॉग कंप्लीट हो गया तो कंटिन्यू भी डाल देती हूँ, नहीं हो पाता फिर नहीं हो पाता। तो ये सारा सामान मैंने आपको दिखा दिया और इस ब्लॉग का मैं एंड करने के लिए जा रही हूँ यहीं पर। देखिए आज ना मैंने आप लोगों के साथ कोई भी अपनी रेसिपी शेयर नहीं की, तो उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि क्या है ना दो दिन में मैंने कुछ ऐसा बनाया ही नहीं अपने घर में, एकदम सिंपल खाना बना था। फिर मैंने सोचा यार सिंपल खाना तो सब लोग अपने घर में बनाते ही हैं, अगर कुछ हम हटके बनाएं तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो आपको भी अच्छा लगेगा, है ना, इसलिए मैं नहीं किया। लेकिन जो मेरा अगला व्लॉग आएगा उसमें मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए कोई बढ़िया सी मज़ेदार डिश लेके आऊँ, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब इस ब्लॉग का मैं एंड कर देती हूँ, एंड करने के बाद फटाफट से पैकिंग कर लेती हूँ सारे सामान की, और मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में। बाय।